Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. ये एक short video होती है. अगर आप morning में देखेंगे तो ये एक guidance है. अगर आप by the end of the day देखेंगे तो ये आपके लिए day reflection होगा. Message वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ ये मेरी situation से match करता हुआ है. Although ये एक message of the day है तो ये guidance के point of view से सबके लिए ही काम करेगा. ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. आज का मैसेज क्या है, किसकी तरफ से है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है, प्लीज़ गाइड कीजिए. आज क्या गाइडेंस मैसेज ऑफ द डे के थ्रू आने वाली है, प्लीज़ बताइए. प्लीज़ गाइड मी. मैसेज ऑफ द डे, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड. ओके, पहली बात तो ये कि जो आपका अपनी ज़ात को लेकर जो आपका दिल का और ज़हन का सुकून है ना, उसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी मत कीजिए. बिला वजह में अपने ही ज़हनी सुकून को दो चीज़ों में अटका के फंसा के जगल मत करें. आई कैन सी के कोई एक ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही लॉयल है और इसकी ख्वाहिश है कि आपकी लाइफ में ना पीस रहे, आप मेंटल पीस में रहें, सुकून में रहें, आपकी फैमिली को कुछ ना हो. मैं इस इंसान के हाथों एक कन्फ्यूजन देख रही हूँ. ये पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहता है, डिस्टेंस पर है, ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है, लेकिन ये कन्फ्यूज है कि ये करे या ना करे. पता नहीं क्यों इसको ऐसा फील हो रहा है कि इसको आपकी कोई फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए, इसे आपको आपकी परेशानियों में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि वो आपकी बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारी बेचैनियों में से कुछ को ये सॉर्ट आउट कर ले, लेकिन ये ख़ुद भी कुछ नहीं कर पा रहा. ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक बहुत ही जेन्युइन रिश्ता जो कि बहुत ही लॉयल है, बहुत ऑनेस्ट है, उसकी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ ट्रबल्स चल रहे हों, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हों, उसके बच्चों और बीवी को लेकर, उसकी फैमिली को लेकर कुछ मसले चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो कि वो इस मसले को हल करे तो कैसे करे. तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपको कांटेक्ट करे. कांटेक्ट करने का कार्ड ऑल तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा. और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको स्पेसिफिकली आपके एंगल से देखूँ तो आप एक बहुत ही स्टेबल, बहुत लॉयल, अपनी फैमिली के लिए बहुत ही सिंसेयर पर्सन होने के नाते होते हुए ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे पूरी फैमिली को सुकून मिल जाए, कोई डायरेक्शन मिल जाए, कोई डेस्टिनेशन मिल जाए, कोई ऐसा लाइफ पर्पस मिल जाए जिसके अंदर उनको पता चल जाए कि यही ज़िंदगी है, इसी तरह रहना चाहिए. आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत जेन्युइन हैं और आज के दिन आपकी जेनरोसिटी, आपकी लॉयल्टी, अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट करना, अपनी फैमिली को ज़िंदगी का सुकून देना, अपनी फैमिली को ज़िंदगी की हर आसाइश देना, ये आपकी एनर्जी एक्टिव रहेगी. लेकिन आप इस वक्त एट द मोमेंट फंसे हुए हैं. आप अपनी फैमिली के लिए कोई ट्रैवल भी प्लान कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीशन पर है. अगर इसका कोई प्रोसीजर होना था तो उसके मुतालिक कोई न्यूज़ मिलेगी. अगर इसके लिए आप कोई इमिग्रेशन का प्लान कर रहे हैं तो ये एक सक्सेसफुल चीज़ होगी. लेकिन ये एक बड़ा डिसीजन है तो ये आज के दिन में नहीं होगा. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है आप इस बड़े डिसीजन को एग्जिस्टेंस में लाना चाहते हैं जिसकी वजह से आप अपनी फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं.
कि अगर तो आपको बाहर जाना पड़े, आपको अपनी फैमिली से अलग होना पड़े, आपको अपनी फैमिली को कहीं लेके जाना पड़े, तो आपके इतने वसाइल नहीं हैं कि आप इतना बड़ा डिसीजन लें और कहीं ट्रैवल कर जाएं, कहीं इमिग्रेट कर जाएं, कहीं मूव कर जाएं। लेकिन फॉर श्योर समथिंग इज़ रिलेटेड टू चेंज एंड ट्रैवल। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि जो आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन फाइनेंसिस को लेकर थी अपनी फैमिली की सेटलमेंट के लिए, अपनी फैमिली के सुकून के लिए, वो आज किसी हद तक आपको उसमें कोई अचीवमेंट फील होगी, बिकॉज इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट जो है वो आने वाला है। आज आपको अपनी फैमिली से, क्योंकि मैं क्यों बार बार इतना फैमिली फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये इंसान, ये कार्ड जो है, ये फैमिली के पीस का कार्ड है। तो आज आपको कोई अच्छी खबर अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल करने वाली बात के मुतालिक ज़रूर मिल सकती है, और इसमें पता भी चलेगा कि आप कितने जेन्युइन हैं, कितने लॉयल हैं, अपनी फैमिली की बेटरमेंट के लिए कितना सोचते हैं, जबकि आपके वसाइल कम हैं और अभी ये कन्फ्यूजन और जगलिंग फेज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छी रीडिंग है, एक रिवॉर्डिंग रीडिंग है, और आपकी जेनरोसिटी, आपके जेन्युइननेस, आपकी लॉयल्टी, ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करने वाली बात है आज को। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। Have a nice weekend. Take care. Bye-bye.